दंतेवाड़ा से देख लेते हैं, इस वक्त मिल रही है भोपाल में नक्सलियों ने निर्माण कार्य रुकवाया है, हथियारबंद नक्सली पहुंचे हैं काम बंद करवाने के लिए। भोपाल गोलेगोड़ा ने 50 बोरी सीमेंट फाड़ कर फेंक दिया है, ठेकेदार का टेंट भी उखाड़ दिया है, काम बंद करने की हिदायत भी दी गई है। तो दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर। पंकज सिंह भदौरिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, क्या जानकारी? ये कुआकोंडा थाना क्षेत्र का इलाका पड़ता है, मुखपाल ग्राम पंचायत का गुलगुड़ा गांव है, जहां पर सारी विभाग एक सड़क का निर्माण करवा रही थी। इसी निर्माण में रिटर्निंग वाल का काम चल रहा था, जहां पर नक्सलियों ने आकर के काम रुकवाया है, 50 बोरियां सीमेंट फाड़ करके ठेकेदार की सड़क पर फैला दी है और टेंट और तंबू उखाड़ दिया है, साथ में वहाँ के लेबरों के साथ। जी, यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, आप भी बता रहे हो, नक्सलियों ने इस निर्माण कार्य को रुकवा दिया है, क्या किसी तरह की सुरक्षा इनको मुहैया नहीं कराई गयी थी? दरअसल आरएएफ का निर्माण काम है, पंचायत स्तर में होता है, अधिकांश देखते हैं क्या ठेकेदार सेटिंग करके नक्सलियों के काम करते हैं और सुरक्षा नहीं लेते हैं। अगर ये निश्चित तौर पर अगर ऐसी को दिए होते सुरक्षा तो सुरक्षा मुहैया करवाई जाती, क्योंकि अंदरूनी इलाकों में जितनी सड़कें मिल रही है बंद नहीं है, उसमें पुलिस बकायदा सुरक्षा दे रही है, सीआरपीएफ और पहुंचती है, लेकिन इस सड़क में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और इसमें कोई पेटी अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद इन सभी लोगों ने क्या सुरक्षा की मांग की है? अभी तक हाल फिलहाल पूरी घटना के बाद से ठेकेदार जो पेटी ठेकेदार है वो फरार बताया जा रहा है, और ना तो यहाँ पर कोई एफआईआर कुआकोंडा थाने में करवाई गई है, ना सुरक्षा की किसी तरीके से डिमांड की गई। हालांकि हमारी बात कुआकोंडा थाना प्रभारी जितेंद्र साहू से हुई थी, तो मौके के लिए निकले हैं और ये पता लगा रहे हैं कि आखिर निर्माण काम से रुकवाने के पीछे किन लोगों की साजिश थी, लोकल कैडर के कौन कौन से नक्सली इसमें शामिल थी। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए।